टीम पत्रकार अधिकार रक्षार्थ फाउंडेशन एवं मार्बल सिटी प्रेस क्लब किशनगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारिता के नए आयाम और वर्तमान समय की चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई। इस अवसर पर पत्रकारों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता का संदेश दिया और हाल ही में राजकीय यज्ञ नारायण जिला चिकित्सालय किशनगढ़ तथा अराही के सरकारी अस्पतालों में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेशों की निंदा की। टीम पत्रकार अधिकार रक्षार्थ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश नाजवानी ने सभी पत्रकारों से एकजुट होकर समस्याओं का सामना करने व वंचित पत्रकारों के लिए आवासीय योजना के लाभ हेतु संभावित प्रयास में एकजुट होने की बात कही। कार्यक्रम में सर्वेश्वर शर्मा ने कहा कि हाल ही के दिनों में अस्पतालों में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाने के पोस्टर लगाना निंदनीय है और इसे तुगलकी फरमान का उदाहरण बताते हुए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि यदि हम एकजुट रहेंगे तो अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम होंगे और यज्ञनारायण चिकित्सालय एवं अराई हॉस्पिटल जैसे मामलों पर लगाम लगाने में सफल होंगे। मार्बल सिटी प्रेस क्लब किशनगढ़ के अध्यक्ष बृद्धिचंद मालाकार ने पत्रकारों को निर्लिप्त भाव से काम करने की प्रेरणा दी और बोले कि सृष्टि के प्रथम पत्रकार महर्षि नारद से प्रेरणा लेकर पत्रकार को सभी प्रकार के लोगों के बीच रहते हुए भी निर्लिप्त भाव से काम करना चाहिए। किशनगढ़ प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल अड्डा ने पत्रकारों से अपनी कलम की ताकत को पहचानने और सच्चाई के साथ खबरें लिखने पर बल दिया। इस अवसर पर अमित मेहता, अर्पित काबरा, कुलदीप कुमावत, भैरव सिंह चौहान ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में संजय कोहली, निर्मल सोनी, कपिल शर्मा, सनी उमरिया, देवेंद्र प्रजापति, सुरेश शारदा, तक्की मोहम्मद, गोविंद राठी, गिरधारी सहित अजमेर से आए पत्रकार भी उपस्थित रहे। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.